हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू एल के अकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ अवर करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 24। UPSC's एग्ज़ाम डेट इज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एंड इट इज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सो दोज हु आर प्रिपेरिंग फॉर UPSC एग्ज़ाम्स, काउंट डाउन हैज़ ऑलरेडी बिगन। So please make sure that you keep safe and you are healthy so that you can attend the examination. So this is the indication for each and every student that from now on dheere dheere sari exams ke date aana start ho jayenge. Okay, so whatever forms you have filled up for whatever exams, dheere dheere uski date schedule hona start ho jayegi. To aaj ka jo hamara lecture hai, hum start karenge एक कोट से, जो कोट कहा था थियोडोर रूजवेल्ट ने, जो कि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट है और काफ़ी बड़े इंटरनेशनल लीडर माने जाते हैं। उन्होंने कहा था, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देर। तो जब आपने एक बार बिलीव कर लिया है कि दैट आई कैन डू समथिंग, आई कैन पास XYZ एग्जामिनेशन, तो आपका आधा जो काम था, ओके, योर हाफ वर्क इज़ ऑलरेडी डन। अब आपको जो आधा काम है वो क्या है, उसके लिए जो मेहनत करनी है, जो पढ़ाई करनी है परसिवरेंसली, राइट, तो वही चीज़ अब बाकी रहेगी। 50% काम तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ऑलरेडी कर दिया है एंड यू कैन पास द एग्ज़ामिनेशन। तो ये मान के चलिए कि आपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है या आप जो भी डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए, यू कैन अचीव ईच एंड एवरी थिंग। ओके, स्काई इज़ द लिमिट फॉर अस। तो इसी के साथ हमारे पहले टॉपिक की और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और वो है इंदिरा 2020। ओके, नाउ जो पुराने स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी पता है कि इंदिरा इज़ दी बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है, IND रिप्रेजेंट्स इंडिया एंड RA रिप्रेजेंट्स रशिया। सो इंदिरा 2020 वो होने वाली है अंडमान सी में। ओके, तो पहले का देखिए, COVID-19 की वजह से काफ़ी सारी जो बायलेटरल या इंटरनेशनल एक्सरसाइज थी बिटवीन नेवीज, मिलिट्रीज, उनको पोस्टपोन कर दिया गया था या तो कैंसिल कर दिया गया था। ओके, चलिए, सो इंडिया एंड रशिया आर स्केड्यूल्ड टू होल्ड इंदिरा 2020 इन द अंडमान सी क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ मलाका इंस्टेड ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। तो जनरली देखिए, ये होता था इंडियन ओशन रीजन में, बट क्योंकि COVID-19 है इसकी वजह से इसको कहाँ पे किया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, स्ट्रेट ऑफ मलाका। डेट इज़ नॉट येट डिसाइडेड, वो आने वाले एक दो महीनों में डेट चुनकर उसको कर दिया जाएगा। द स्ट्रेट ऑफ मलाका कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू द साउथ चाइना सी एंड इज़ 900 किलोमीटर इन द लेंथ एंड इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट ट्रेड रूट बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया यूरोप। तो देखिए कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंडिया और चाइना इसको करेंगे। अब देखिए क्यों ये लोकेशन चुना गया है रादर देन इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि चाइना का जो बढ़ता इफेक्ट है इन द साउथ चाइना सी, उसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ वहाँ पे की जा रही है। सो इंडियन ओशन रीजन इज़ अंडर हाई ऑपरेशनल अलर्ट बाई द इंडियन नेवी ड्यू टू द ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ विथ चाइना इन लद्दाख एंड दैट्स वाई जो लोकेशन है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका में कर दिया गया है। ओके, सो सी, दिस इज़ द रीजन स्ट्रेट ऑफ मलाका, जहाँ पे आपको दिख रहा है बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो अंडमान सी के वो नज़दीक है, अंडमान लोकेशन के नज़दीक है एंड दैट्स वाई वो वहाँ पे की जाएगी। एंड हियर इज़ दिस साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है, जैसा कि हमें पता है कि चाइना पूरे साउथ चाइना सी को, काफ़ी बड़े एरिया को अपना एरिया गिनवाता है, जिसके सामने थाईलैंड, वियतनाम और जो भी सारे आसियान कंट्रीज़ है वो क्या कर रहे हैं, अपना अपोजिशन वहाँ पे दर्ज करवाते रहते हैं। और क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच में अभी गालवान वैली में स्टैंड ऑफ चल रहा है, धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चाइना ने कैप्चर कर लिया है, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। ओके, दैट इज़ नॉट ऑफिशियल न्यूज़, सो वी विल नॉट गो बाय दैट, बट स्टिल पूरे बॉर्डर पे अभी रेड अलर्ट जैसा माहौल चल रहा है। द इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज बिगेन इन 2003 एंड वॉज कंडक्टेड एज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज ऑल्टरनेटली बिटवीन द टू कंट्रीज। तो एक साल इंडिया में होगी और एक साल रशिया उसकी लोकेशन डिसाइड करेगा।
However, the first joint tri-service exercise would conducted in 2017. Indra 2020 will be the first bilateral naval exercise since all such engagements were suspended due to COVID-19 pandemic. तो हमने देखा था कि मार्च से लेकर जितने भी इंटरनेशनल एंगेजमेंट थे, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज थी या नेवल एक्सरसाइज थी या एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, उसको या तो कैंसिल कर दिया गया था या तो पोस्टपोन कर दिया गया था. इट्स टाइम कोइंसाइड्स विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स विजिट टू रशिया फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट. राइट, तो पिछले अगर 2-3 दिनों से आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो अभी रशियन विजिट पर है और रशिया की विजिट में वो अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से भी मिले और अपने ईरानियन काउंटर पार्ट से भी मिले, ताकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच हमारे जो रिलेशन है वो थोड़े बिगड़ते हुए, डिटोरिएट होते हुए हमें नज़र आ रहे थे. तो उसको किस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया जाए, उसको डिस्कस करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर्स मीट की गई है. अंडमान सी वॉज ऑल्सो दी लोकेशन वेयर फ्रंट लाइन वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज दैट इज नोन एज पैसेक्स विथ द यूएसए नेवीज यूएसएस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इन जुलाई दिस ईयर. ओके, सो दैट्स वाई जो अंडमान सी का जो एरिया है दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया. चाइना फैक्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके. रिसेंटली इंडिया हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम दी काउकास 2020. तो एक और जो मल्टी लेटरल एक्सरसाइज होती है, मल्टीनेशनल एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है काउकास 2020, जो कि होने वाली थी रशिया में, उसमें से इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया और इंडिया ने डिसाइड किया है कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन काउकास 2020. अब ऑफिशियल तौर पर इंडिया ने कोविड-19 को रीज़न बताया है, बट ये चर्चा है कि क्योंकि पाकिस्तान और चाइनीज ट्रूप भी और टर्की के ट्रूप्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दैट्स वाई इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन काउकास 2020. ओके, टू रजिस्टर इट्स अपोजिशन. So recently India has withdrawn from the Caucasus 2020 multinational exercise in Russia due to the restrictions posed by the pandemic. However, the participation of Chinese troops in the same exercise is apparently the main reason. Indian Navy is keeping a close watch on the movement of Chinese naval ships in the Indian Ocean region because their presence in the Indian Ocean region has gone up considerably over the years in the name of anti-piracy patrols. In 2017, China opened its first overseas military base in Djibouti in the Horn of Africa. तो Djibouti के बारे में हम discussion काफ़ी पहले कर चुके हैं. Djibouti is also a strategic location, right? अगर आपको अफ्रीका के साथ जुड़ना है तो Djibouti is a strategic location जो कि एक French colony रह चुका है. Given its strategic location, India has embarked on a major infrastructure expansion plan on the Andaman and Nicobar Island chain. अभी पिछले कुछ दिनों जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फ्रीडम डे की स्पीच दी, उसमें हमने देखा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसको किस तरीके से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. राइट, वहाँ पे अलग तरीके से नेटवर्क बनाए जाएंगे और कॉमर्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो वहाँ पे खड़ी की जाएगी. सो ये इंदिरा 2020 वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो इसके साथ साथ जब हम इंदिरा 2020 की बात कर रहे हैं तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट बना हुआ है. मिलिट्री का हमने अलग लिस्ट बनाया है, नेवी के लिए अलग लिस्ट बनाया है एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज के लिए हमने अलग एक लिस्ट बनाया है. जस्ट रिफर दैट एक्सरसाइज, आपको कब वो एक्सरसाइज जनरली होती है और कौन से कंट्रीज़ के बीच में होती है. ओके, कभी कभी दो कंट्रीज़ के बीच में होगी, कभी कभी दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच इंडिया की जो एक्सरसाइज होगी वो हो सकती है, उसको आपको याद रखना है. नेक्स्ट जो बिल है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल. तो देखिए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल लाया गया था वो लाया गया था 5 अगस्त 2019 में और पहली बार राज्यसभा में वो पेश किया गया था. उसको अभी हाल ही में अगस्त के महीने में एक साल पूरा हो रहा है और एक साल में, देखिए पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर स्टेट को लेकर काफ़ी सारे लेजिस्लेशन बिल्स या ऑर्डिनेंस हमें आते हुए दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग किया गया है और यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और क्योंकि 35A और 370 को हटाया गया है, बट फिर भी जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग दैट
ऐसा कोई लेजिस्लेशन वहाँ पे ना लागू किया जाए जिससे उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको खतरा हो. एंड दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे करके एक के बाद एक लेजिस्लेशन को देश के सामने ला रही है. सो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. और अभी अभी हमने देखा था ओके, जब एक साल पूरा हुआ तो एक साल बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू. तो गिरीश चंद्र मुर्मू को लेफ्टिनेंट गवर्नर से हटा कर कहाँ पे भेजा गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. उनको इंडिया का कैग बनाया गया है, राइट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. और गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह किसको लाया गया है, लाया गया है मनोज सिन्हा को, ओके, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है. उनको भेजा गया है एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी याद कर लेते हैं, राधा कृष्ण माथुर. वो अभी भी बने हुए अपनी पोजीशन पर, ओके. और गिरीश चंद्र मुर्मू ने किसको रिप्लेस किया है, राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है, ओके. तो पहले जो कैग थे 8 अगस्त तक जो हमारे कैग थे वो थे राजीव महर्षि, और राजीव महर्षि की जगह अब लाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि हमारे 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. और उनको शपथ किसने दिलवाया, उनको शपथ दिलवाया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ओके. द बिल विल इंक्लूड कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अवर अपकमिंग एग्जाम्स. द बिल विल इंक्लूड कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो दीज थ्री आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके. जो गवर्नमेंट का जो वर्क होगा वो कश्मीरी में भी हो सकता है, डोगरी में भी हो सकता है, और हिंदी में भी हो सकता है. Only English and Urdu were official languages in the former state, which was bifurcated on 5th of August 2019, with Ladakh becoming a separate union territory. तो देखिए, जो 5th August 2019 के पहले का जो यूनियन जम्मू कश्मीर स्टेट था वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और उर्दू वर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसको बदल कर अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को ऐड किया गया है. तो नाउ देर आर टोटल 5 लैंग्वेजेस. कौन सी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी. तो ये पांचों लैंग्वेजेस आपको याद रखनी है. डोंगरी अलॉन्ग विथ बोडो, मैथिली एंड संथाली विल एडेड टू द स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस अंडर द 8th स्केड्यूल बाई 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, विच कंजिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस. तो देखिए, ये 22 लैंग्वेजेस का लिस्ट ऑलरेडी हमें पता है. ऑफ दीज लैंग्वेजेस 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड बाई 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967. कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर इंक्लूडेड बाई द 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992. और उसके बाद सीधा 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को इसमें ऐड किया गया. तो ये 22 भाषाएं आज हमारे 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलेगी, इन द 8th स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द बिल नॉट ओनली फुलफिल्स अ लॉन्ग पेंडिंग पब्लिक डिमांड ऑफ द रीजन बट ऑल्सो कीप्स द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी. देखिए, मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है तो वहाँ की जनता को यकीन दिलाना है कि भाई 370 धारा हटाकर और 35A हटाकर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है. तो जनता का सपोर्ट भी ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे काफ़ी फूक फूक पर एक के बाद एक ये लेजिस्लेशन वहाँ पे ला रही है. तो दिस इज़ क्वाइट एन ईजी टॉपिक फॉर अस. नेक्स्ट जो एक नया इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको हमें डिस्कस करना है. एंड दैट इज़ मिशन कर्मयोगी फॉर सिविल सर्वेंट्स. नाउ व्हाट इज़ सिविल सर्वेंट्स? सो जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए, ओके, चाहे यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, तो हम एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या कहलाएंगे? सिविल सर्वेंट्स कहलाएंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे. अब सिविल सर्वेंट्स पे काम करना क्यों ज़रूरी है किसी भी देश के लिए? तो देखिए, देश को बदलना नेता के हाथ में नहीं है, राइट. जो आपकी पॉलिसी है, ले लीजिए अभी जो रिसेंटली एक पॉलिसी आई है काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या शिक्षा मंत्री ने खुद बनाई है? नहीं, शिक्षा मंत्री जस्ट उसको पब्लिश कर रहे हैं. उसके पीछे, उसके बनाने में किसका हाथ है? सिविल सर्वेंट्स का हाथ है. काफ़ी सारे IAS अधिकारी जुड़े होंगे, IRS अधिकारी जुड़े होंगे, एकेडेमिशियंस जुड़े होंगे, राइट, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है. वो लोग देश की
पॉलिसी बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, और ना सिर्फ पॉलिसी बनाने के लिए बट उस पॉलिसी को अमल करने के लिए भी कौन ज़िम्मेदार है? सिविल सर्वेंट्स। तो जैसे सिविल सर्वेंट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, देश का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई दी मिशन कर्मयोगी फॉर सिविल सर्वेंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। सो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी, और क्या है द एंटायर नेम? द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, और शॉर्ट में उसको कहा जाएगा NPCSCB। इट इज़ मेंट टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म ऑफ द सेंटर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सिमिलरली टू प्री रिक्रूटमेंट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि जो पूरा एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न है, चाहे वो UPSC का हो या स्टेट सिविल सर्विसेज का हो, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। The ultimate aim of Mission Karma Yogi is to ensure ease of living for the common man, ease of doing business, and citizen centricity, that is reducing the gap between the government and the citizens. This can only be achieved by regular and constructive involvement by the government and civil servants. अब एक simple example अगर मैं आपको दूँ, तो मान लीजिए आप जिस शहर या गाँव में रह रहे हो, तो वहाँ पर एक म्यूनसिपल कमिश्नर को अपॉइंट किया गया होगा, राइट? अब वो म्यूनसिपल कमिश्नर क्या काम करता है? तो आपके शहरों की सड़कें बराबर है या नहीं है, गड्ढे हैं तो कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, अगर कोई बिजी सड़क है तो वहाँ पे फ्लाईओवर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, RCC का रोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सिटी को आने वाले 3-4 साल लॉन्ग टर्म के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, जो सीवेज सिस्टम है पूरे शहर का उसको कैसे बदला जाए ताकि बारिश में पानी ना भरे, उसमें कचरा ना भरे। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका है? आपके म्यूनसिपल कमिश्नर का है। उसी तरीके से हर सेक्टर में एक IAS ऑफिसर या IRS ऑफिसर को अपॉइंट किया गया होगा, और उसका मेन काम क्या होगा कि किस तरीके से जो एंड यूज़र है, और एंड यूज़र कौन हो गया? गरीब से गरीब आदमी की ज़िंदगी को किस तरीके से ईजी बनाया जा सके, तो उसके हिसाब से इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ह्यूमन रिसोर्स पूरा डेवलपमेंट इनका एक तरीके से किया जाएगा अंडर द मिशन कर्मयोगी। ओके, व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव? सो इट इज़ एम्ड एट बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस विथ द राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज अलाइंड टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया। अगर आप कभी किसी सरकारी ऑफिस में गए हो, तो वहाँ पर जो ऑफिसर बैठा है खिड़की के दूसरी तरफ, वो कैसे बात करता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो बिहेवियरल चेंज है वो लाने के लिए कर्मयोगी मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट एम्स टू प्रिपेयर इंडियन सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोफेशनल, एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी एनेबल। जितने ही सारे अच्छे वर्ड आपको आते हैं, वो सारे ही क्वालिटी अब आपको सिविल सर्वेंट में देखने को मिलेगी। Comprehensive reform of the capacity building apparatus at the individual, institutional and process levels for efficient public service delivery. Right, अब स्वच्छ भारत मिशन में अगर इंदौर अच्छा काम कर रहा है या सूरत ने अच्छा काम किया है, सेकेंड रैंक हासिल करके, क्यों सेकेंड रैंक हासिल किया? राइट, सब शहरों को बजट तो एक सा ही दिया गया था, टारगेट भी एक सा दिया गया था, फ़र्क कहाँ पड़ा? फ़र्क पड़ा वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी अच्छा होगा आपका, वो शहर आपको उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, रीज़न फॉर मिशन, क्यों ये मिशन लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी? सो एट प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी इज़ फेसिंग चैलेंजेस लाइक रूल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, इनएफिशिएंसी विद प्रमोशंस एंड जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए कर्मयोगी मिशन को लॉन्च किया गया है। To change the status quo of civil services and bring about the long pending civil services reforms. देखिए, as of now जो civil service method हम follow कर रहे हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने की civil services को हम follow कर रहे हैं। काफ़ी कम reform उसमें हुए हैं। Okay, there are quite a political obstacles in that. Right? Reservation के मुद्दे हैं, finance के मुद्दे हैं, तो उसकी वजह से आज तक सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करने की किसी गवर्नमेंट ने हिम्मत नहीं की, क्यों? बिकॉज दैट इज़ क्वाइट अ बोल्ड स्टेप। ओके, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू
bring reforms in civil services structure. The capacity of civil services plays a vital role in rendering a wide variety of services, implementing welfare programs and performing core governance functions, right? तो देखिए कोर गवर्नेंस फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, आपके यहाँ का कलेक्टर है या तलाटी जो है, ओके तो वही है जो आपकी जो पॉलिसी है उसको किसी एक गांव में या शहर में इंप्लीमेंट करेंगे. फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या क्या रहेंगे, सो द कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी डिलीवर्ड थ्रू IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म विथ कंटेंट ड्रॉन फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. द प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट. तो पूरा उसको डिजिटाइज किया जाएगा और जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो होगा किसी भी एक सिविल सर्वेंट का वो भी डिजिटाइज कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह का उसमें बीच में करप्शन या पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ना रहे. कवरेज क्या होगा, सो द स्कीम विल कवर 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स एंड इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ 510 करोड़ रुपीज़ ओवर 5-year पीरियड. Shifts from rules to roles, that is a new concept actually. The program will support a transition from rules-based to roles-based human resource management so that work allocations can be done by matching an official's competencies to the requirements of the post, right? अगर मुझे रास्ते बनाने के लिए किसी की ज़रूरत है तो मुझे वहाँ पर ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसको उस फील्ड का नॉलेज हो, राइट. अगर मैं किसी रैंडम बंदे को अगर वहाँ पे बिठा देता हूँ तो या तो वो रास्ता ठीक से नहीं बनाएगा या तो करप्शन करेगा. दोनों ही चीज़ कॉमन सिटीज़न के लिए ठीक नहीं है. तो पहले कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी एंड देन उसको वो काम असाइन किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम डोमेन नॉलेज ट्रेनिंग द स्कीम विल फोकस ऑन फंक्शनल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज एज विल ऑल्सो इंक्लूड्स अ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूशंस. इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव क्या होगा, इवेंचुअली सर्विस मैटर्स सच एज कॉन्फर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, डिप्लॉयमेंट, वर्क असाइनमेंट एंड नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज विल ऑल बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क. ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक है जो कि आप एनवायरनमेंट के साथ भी जोड़ सकते हो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ सकते हो एंड दैट इज प्रोजेक्ट डॉल्फिन. जब ये लॉकडाउन के दौरान हमने स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स लिए थे तब हमने ये देखा था कि गैंगेटिक डॉल्फिन हमें जो गंगा नदी है उसमें काफ़ी सालों बाद सतह पर आती हुई दिखी. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गंगा और यमुना में जो पल्यूशन था और गंगा की बाकी ट्रिब्यूटरीज़ में वो कम हो गया और उसकी वजह से जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थे, एक्वेटिक एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे सतह पर आने लगे और आम लोगों को वो दिखे. उसी के चलते अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन का जिक्र किया है जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द गवर्नमेंट्स प्लान टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट डॉल्फिन इन हिज रीसेंट इंडिपेंडेंस डे स्पीच विच वॉज ऑब्वियसली गिवन ऑन 15th of August 2020. द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज एम्ड एट सेविंग बोथ रिवर एंड मरीन डॉल्फिन्स. तो देखिए इंडिया में जनरली डॉल्फिन कहाँ देखी जाती है, जो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वहाँ पे हमें ये डॉल्फिन देखी जाती है. एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है दैट नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन. ओके, सो इन 2009 ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल. Also, the National Mission for Clean Ganga celebrates 5th of October as National Ganga River Dolphin Day, जो कि अगले महीने 5 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेगा. तो जैसे ही 5 अक्टूबर आती है आपको पता चलना चाहिए कि भाई आज कौन सा दिन है. That will be the National Mission for Clean Ganga, okay? और वो celebrate करता है National Ganga River Dolphin Day on 5th of October. प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या होगा, सो इट विल बी प्रिजर्विंग अवर एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, सो इट विल बी अ 10-year प्रोजेक्ट टू फोकस ऑन बोथ रिवर एंड सी डॉल्फिन्स, एम टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट टूरिज्म. देखिए अगर आप कभी सिंगापुर या आसियान कंट्रीज में अगर कभी गए हो, ओके, या कोई भी जहाँ पे बड़ी नदी या सी अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे स्पेशली डॉल्फिन शोज़ अरेंज किए जाते हैं टूरिस्ट के लिए और काफ़ी हैवी फ़ी वहाँ पे चार्ज की जाती है.
अब जब इंडिया के पास इतनी सारी डॉल्फिन्स है इतने सालों से, बट कहीं हमने ऐसा नहीं सुना कि भाई इंडिया में हमें डॉल्फिन शो होता हुआ दिखता है, तो ये गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि अगर वहाँ पे हम टूरिज़्म डेवलप कर सके तो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसको भी क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। सो एम टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट टूरिज़्म, किलिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बाय डैम्स एंड बैरेजेज एंड इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग हैज़ रिड्यूस्ड द गेंजीज रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन फ्रॉम टेंस ऑफ थाउजेंड्स टू अराउंड 3,700 ओवर द लास्ट सेंचुरी। तो देखिए, पहले हज़ारों की तादाद में गंगा मेघना नदी जो है, गंगा नदी, मेघना नदी और नॉर्थ ईस्ट की बाकी सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी नदियाँ, वहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन्स देखी जाती थी। बट क्योंकि पोचिंग होने लगा, किलिंग होने लगा, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड होने लगी, पोल्यूशन बढ़ने लगा, उसकी वजह से आज अराउंड 3,700 जितनी गैंगेटिक डॉल्फिन रह गई है, और वो भी काफ़ी अंदर जहाँ तक इंसानी पहुँच नहीं है वहाँ पे वो छुपी हुई है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं गंगा में निकला और मुझे सतह पे डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन टूडेज़ वर्ल्ड। ओके, सो देखिए, इसीलिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है। गेंजेज रिवर डॉल्फिन, अ स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन, इज प्राइमरीली फाउंड इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। इन इंडिया दिस डॉल्फिन्स आर साइटेड इन डीप रिवर इन असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब देखिए, हर एक स्टेट में अगर एक जगह पे भी ये डॉल्फिन शो जैसा कोई एक सेंटर स्टार्ट कर दिया जाए तो कितना लोकल, हज़ारों लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, तो जो लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसको बूस्ट मिल सकता है। गेंजेज रिवर डॉल्फिन ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801, कैन लिव ओनली इन फ्रेश वाटर। सो प्रोजेक्ट डॉल्फिन विल बी ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट टाइगर कितना सक्सेसफुल रहा है वी ऑलरेडी नो। ठीक है, 2022 में हमें प्रोजेक्ट टाइगर को कम्प्लीट करना था, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उसको डबल करना था हमें। वी ऑलरेडी क्रॉस्ड द डबल मार्क, और डबल से ज़्यादा हम उसको क्या कर चुके हैं, एक्सीड कर चुके हैं, राइट। 2019 में ही हम टाइगर पॉपुलेशन अचीव हम कर चुके हैं, एंड इट इज़ क्वाइट मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसको कहा जा सकता है। सो विच हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन, पिछले 10 सालों में हम टाइगर के पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद मिली है। प्रोजेक्ट गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन डिसम्बर 2019 एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि ये एनवायरमेंट के सब्जेक्ट के साथ आपको इसको जोड़ सकते हो। स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी टेकन अप फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन, विच इज़ अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड ऑल्सो इंडिकेटर स्पीशीज फॉर द रिवर गंगा स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेट्स, एज द गैंगेटिक डॉल्फिन इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। Protecting the species and its habitat will ensure conservation of aquatic lives of the river. So far, NMCG, which implements the government's flagship scheme Namami Gange, has been taking some initiatives for saving dolphins. देखिए, Namami Gange project हमें पता है कि पहले तो गंगा और उसकी tributaries को साफ किया जाएगा, और धीरे धीरे गंगा के किनारों के जो शहर है या गाँव है उसको स्मॉल टूरिस्ट हब में डेवलप किया जाएगा, ताकि वहाँ पे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल पाए। लोकल टूरिज्म जो बढ़ेगा तब वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है विलेज की या शहर की, उसको धीरे धीरे क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। और ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या कहता है हमारा, सो द राइन एक्शन प्लान। अब ये राइन क्या है, तो राइन यूरोप में नदी है जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी देशों से होते हुए बहती है। सो द राइन एक्शन प्लान इन 1987 ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइन, representing Switzerland, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands, helped in conservation of the salmon fish. Okay, तो salmon fish को बचाने के लिए 1987 में ऐसा ही एक action plan बनाया गया था जिसको Rhine action plan कहा जाता है। तो उसके ऊपर से ये project dolphin का जो idea है वो लिया गया है, और government आने वाले समय में उसके ऊपर काम करेगी। Okay, and these are some basic facts about गैंगेटिक डॉल्फिन। सो उसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम इज प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। फीचर्स क्या है, सो दीज आर जनरली ब्लाइंड एंड कैच देयर प्रे इन अ यूनिक मैनर। दे एमिट एन अल्ट्रासोनिक साउंड विच
रिचेस द प्रे. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुसु. लोकेशन क्या होगा? सो इट इज़ फाउंड मेनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द गंगा ट्रिब्यूटरी. जो भी गंगा की छोटी छोटी नदियाँ हैं जो गंगा के साथ जुड़ी हुई है, उसमें भी हमें ये डॉल्फिन मिल सकती है. अब देखिए, पिछले कुछ सालों में या दशकों में दिक्कत क्या हुई है, पहले तो डैम्स जैसी कोई ऑब्स्टिकल था नहीं, बट जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, वैसे वैसे हम नदियों पर डैम्स बना दे गए. और अगर आपको एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी है, राइट, डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी अगर आप देखते हो, तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे एक्वेटिक एनिमल्स अलग अलग सीजन टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं. ओके, अब डैम बनाने की वजह से होगा क्या? डैम किस लिए बनाया जाता है? पानी को रोके रखने के लिए. अब जब मैंने किसी नदी पर एक बड़ा सा डैम बना दिया, तो मैं सिर्फ डैम नहीं बना रहा हूँ, मैं जो पूरा पाथ है एक्वेटिक एनिमल्स का, उसको एक जगह पे ब्रेक कर रहा हूँ, राइट. और इस ब्रेक, पाथ ब्रेक करने की वजह से डॉल्फिन्स और स्पेसिफिकली गैंगेटिक डॉल्फिन्स का जो माइग्रेशन का जो रूट था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया. और इसीलिए आजकल जो नॉर्मल गंगा का जो रूट है वहाँ पे हमें गैंगेटिक डॉल्फिन देखने को नहीं मिलती है. ओके, थ्रेट्स क्या थे? सो द डैम्स डिस्टर्ब द माइग्रेशन, ब्रीडिंग साइकिल्स एंड हैबिटेट ऑफ फिश एंड अदर प्रे. पॉल्यूशन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर. एक्सेसिव सिल्टिंग एंड सैंड माइनिंग स्पेशली इन आसाम एंड लोअर कोर्स ऑफ द गंगा. तो गंगा का जो तट प्रदेश है वहाँ पे जो माइनिंग होता है, इलीगल माइनिंग होता है, उसकी वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिली. पॉपुलेशन जैसे कि हमें ऑलरेडी डिस्कस किया, 3000 या 3500 जितनी पॉपुलेशन अब इंडिया में देखने को रह गई है. स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन क्या है? सो इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में उसको इंक्लूड किया गया है. एंडेंजर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, ताकि उसको इलीगली ट्रेड ना किया जा सके. अपेंडिक्स 2 एंड दैट इज़ फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज दैट नीड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज. तो आगे ऑलरेडी हमने देखा कि बांग्लादेश भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया भी जुड़ा हुआ है एंड नेपाल भी जुड़ा हुआ है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी. और कंजर्वेशन एफर्ट अब तक क्या किए गए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ओके, सो फॉर इंस्टेंस, विक्रमशिला गेंगीज डॉल्फिन सेंचुरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बिहार अंडर दिस. तो ऐसे पिछले सालों में काफ़ी सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं. नेक्स्ट इज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल. दिस कैन बी लिंक्ड टू योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो DRDO ने हाल ही में एक सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है जिसका नाम क्या है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV. रिसेंटली द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द HSTDV. वॉट इज HSTDV? सो HSTDV इज एन अनमैंड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट दैट कैन ट्रैवल एट हाइपरसोनिक स्पीड. अब हाइपरसोनिक स्पीड कब कहा जाएगा उसका एक टेबल मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो. इट यूजेज हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी. द व्हीकल ट्रैवल्ड इट्स डिजायर्ड फ्लाइट पाथ एट अ वेलोसिटी ऑफ 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट इज़ शॉर्टली नोन एज Mach 6. तो देखिए, ध्वनि की जो स्पीड है, ध्वनि की गति से 6 गुना ज़्यादा गति से ये मिसाइल आपका काम करेगा, जो एयरक्राफ्ट है वो आपका काम करेगा, गति करेगा, राइट, ट्रैवल करेगा. मैक नंबर क्या हो गया? सो इट डिस्क्राइब्स एन एयरक्राफ्ट स्पीड कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विथ Mach 1 इक्वेटिंग टू द स्पीड ऑफ साउंड एंड 343 मीटर पर सेकंड. तो देखिए, एक सेकंड में 343 मीटर पर सेकंड जितना कवर कर सकता है जब वो Mach 1 हो. ओके, तो Mach 6 का मतलब क्या हो गया कि वो इससे 6 गुना ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकेगा. कंडक्ट कहाँ पे ये कंडक्ट किया गया? सो द टेस्ट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा.
इम्प्लीकेशंस क्या हो गए. सो इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस टेक्नोलॉजी आफ्टर यूएसए, रशिया, चाइना. ओके, सो ये तीन कंट्री है जो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा डिफेंस में हमसे आगे रहते हैं, और इंडिया इज ऑलमोस्ट ऑन एवरी टेक्नोलॉजी वी आर ऑन फोर्थ स्पेस, राइट. चाइना सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट वेव राइडर हाइपरसोनिक फ्लाइट व्हीकल इन 2018. ओके, और ये जो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा स्टफ, ओके, ये आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी डीप काइंड ऑफ अ नॉलेज. बट अगर आपको इंटरेस्ट है सो यू कैन गो थ्रू दिस. वॉट आर एयर ब्रीदिंग इंजिन एंड दीज आर टाइप्स ऑफ एयर ब्रीदिंग इंजिन. ओके, सो देखिए मैक नंबर से आपको पता चलेगा कि उसकी जो स्पीड है, ओके, वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा. सो उसी हिसाब से, स्पीड के हिसाब से उसको फाइव अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है. दोज आर सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक एंड हाई हाइपरसोनिक. तो ये जो HSTDV है दैट इज फॉल्स अंडर हाइपरसोनिक. क्यों? क्योंकि उसका मैक नंबर क्या है? मैक 6. तो देखिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी? समवेयर बिटवीन 2000 to 2200 होगी, राइट. तो वो 343 मीटर जो मैंने आपको बताया, राइट, 343 मीटर पर सेकंड, उससे 6 गुना ज़्यादा स्पीड से वो ट्रैवल कर सकता है. ओके, सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. नेक्स्ट एक इंटरनेशनल न्यूज़ हमें पढ़ने हैं जो कि ज्योग्राफी के साथ आप रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन में कभी कभी पूछा जा सकता है, एंड दैट इज़ यानोमामी ट्राइब ऑफ साउथ अमेरिका. सो दी यानोमामी ट्राइब्स हैज़ लॉन्च्ड अ ग्लोबल कैंपेन टू एक्सपेल 20,000 गोल्ड माइनर्स फ्रॉम देयर लैंड एमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक. तो देखिए ये जो रीजन है बिटवीन ब्राज़ील, गुयाना, सुरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया, बेसिकली जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है, ओके, तो दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर दैट ओनली. तो वहाँ पर काफ़ी सारे, देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ ट्राइब्स, दोज आर लिविंग इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और उसमें से एक है यानोमामी. तो वो लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई 20,000 जितने जो गोल्ड माइनर्स हैं उनको उनके रीजन से एक्सपेल किया जाएगा. द यानोमामी लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न ब्राज़ील एंड साउदर्न वेनेजुएला और सदर्न वेनेजुएला एंड आर अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल इंटरनेशनल द लार्जेस्ट रिलेटिवली आइसोलेटेड ट्राइब इन साउथ अमेरिका. ओके, एंड दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, हमने ऑलरेडी इंडियन ट्राइब के बारे में, जिनको PVTG का टैग मिला हुआ है, जिनको नहीं मिला हुआ है, ये सारे डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. एंड दीज आर सेवरल अदर ट्राइबल ग्रुप्स इन सदर्न अमेरिका. ओके, सो सर्वाइवल इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी बेस्ड इन लंडन विच कैंपेन्स फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस and tribal peoples around the world. So the tribe numbers around 38,000 today and its numbers live in contiguous forested territory of around 9.6 million hectares in Brazil and 8.2 million hectares in Venezuela. देखिए इनका जो एरिया है वो कितना बड़ा है. They live in large circular houses called llanos or chabanos, some of which can hold up to 400 people. The Yanomami consider all people to be equal and do not have a chief. Instead, all decisions are based on the consensus after a long discussions and debates. They are the speakers of Ziriana language, a Brazilian indigenous leader, Davi Kopenawa, who secured the land rights of the Yanomami people, was awarded Right Livelihood Award 2019, also known as Sweden's Alternative Nobel Prize. ओके, सो क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ में थी इसलिए मैंने इसको कवर किया है. UPSC जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. ओके, और देखिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो करंट अफेयर्स तो डोंट लीव दी ऑफ बिट न्यूज़. ओके, पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, चाहे आप GPSC के एग्ज़ाम दे रहे हो, अब जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल माइंड कितना तेज़ है वो चेक किया जाता है एग्ज़ाम में, राइट. तो अगर आप ये सोचते हो कि जो मेन हेडलाइंस पढ़ के हम प्रीलिम्स पास कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. वो एक सवाल, दो सवाल या तीन सवाल के लिए पॉसिबल हो सकता है, बट वो आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. ओके, और सब्जेक्ट क्या हो गया? इकोनॉमी हो गया, जो भी करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया विच इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद करंट अफेयर्स. ओके, रिसेंट इवेंट्स.
तो वहाँ पे आप हर जगह पे अज्यूम नहीं कर पाओगे. तो जो ऑफ बीट न्यूज़ है उसको भी आपको कभी नहीं छोड़ना, एंड दैट शुड बी प्रेजेंट इन योर डेली नोट्स. ओके चलिए, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. पिछले काफ़ी सालों से, जब से हमने एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब से ये टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं. तो उसके बारे में एक अपडेट है. केशवानंद भारती केस जिसने लड़ा था और जिसने जीता था, वो केशवानंद भारती जो कि केरला के एडनीर मठ के मुखिया थे, उनके पिछले दिनों देहांत हो गया है, उनकी डेथ हो गई है. एंड दैट्स वाई अगेन आपको न्यूज़ में, क्यों केशवानंद भारती की डेथ नेशनल न्यूज़ में दिखी आपको, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बचाने के लिए देन गवर्नमेंट के सामने, ओके, उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके सामने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था. सो मेन पिटिशनर इन विच केस, केशवानंद भारती केस, मेन पिटिशनर केशवानंद भारती ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 पास्ड अवे. तो उनका अभी डेथ हो गया है. केशवानंद भारती कौन थे और बैकग्राउंड क्या था उसका ऑलरेडी डिस्कशन करेंगे. दिस ये एक न्यूज़ थे जो मैंने आपको बता दिया, रेस्ट इज़ दी जस्ट द रिविजन टॉपिक. सो ही चैलेंज्ड द केरला लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन इन 1970 विच इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी. द केस वॉज चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 26 concerning the right to manage religiously owned property without government interference. A 13-judge bench was set up by the Supreme Court, the biggest so far to hear the case. तो देखिए, 13 जजों की बेंच आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही बार बनाई गई है, एंड वो भी केशवानंद भारती केस में. क्वेश्चन अंडरलाइंग द केस ऑल्सो इंक्लूडेड वॉज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अपेंड कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड. ये भी एक, ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था. In other words, could Parliament alter, amend, abrogate any part of the Constitution, even to the extent of taking away the fundamental rights? Okay, तो ये issue था, वो ले जाया गया किसके सामने, Supreme Court के सामने, under the Article 26. तो ये एडनीर मठ के मुखिया थे और केरला गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन के नाम पे उनसे वो ज़मीन छीननी चाहिए थी. तो उन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला दे दिया. वो आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को जो धर्म में चाहे उस धर्म की संस्थाएं बनाने का और उसको मैनेज करने का अधिकार है, राइट. और उसको थ्रेट था 1970 के एक लैंड रिफॉर्म से केरला गवर्नमेंट के, एंड दैट्स वाई केशवानंद भारती ने इसको रेज किया सुप्रीम कोर्ट में. बैकग्राउंड क्या था, सो द सुप्रीम कोर्ट कंसेंडेड एब्सोल्यूट पावर टू पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज वॉज सीन इन द वर्डिक्ट्स इन शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस. इन बोथ द केसेस, ओके, ऑलरेडी आप ये चीज़ अपने पॉलिटी में पढ़ चुके हो डीप में, ओके, मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ. इन बोथ द केसेज द कोर्ट हैड रूल्ड दैट द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 मस्ट बी टेकन टू मीन रूल्स और रेगुलेशंस मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड नॉट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368, राइट. और उसके बाद कौन सा केस आया, 1967 में गोलकनाथ केस आया, पंजाब के गोलकनाथ ब्रदर्स का केस आया. सो इन 1967 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ओनली विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, ये चीज़ 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बोली. अब इसको बदला गया वापस केशवानंदा भारती केस में. ओके, ये जो सारी डिटेल है, दोज आर एक्स्ट्रा स्टफ, ओके, जो कि ऑलरेडी आपने पॉलिटिकल लेक्चर में कवर की है, इसलिए मैं उसको डीप में नहीं ले रहा हूँ. वर्डिक्ट क्या है केशवानंदा भारती केस में, सो लैंडमार्क जजमेंट वॉज डिलीवर्ड ऑन 24th of April 1973 बाय अ थिन मेजोरिटी ऑफ 7-6. तो देखिए, 7 जजों ने पक्ष में फैसला दिया, 6 जजों ने अपोज में फैसला दिया, विपक्ष में फैसला दिया. वेर इन द मेजोरिटी हेल्ड दैट एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, जो कि गोलकनाथ केस में मना किया गया था. गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दी एरिया ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसको ओवर रूल्ड कर दिया गया कहाँ पे, केशवानंद भारती केस में. क्यों, क्योंकि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि फंडामेंटल राइट का जो पोर्शन है दैट इज़ अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, राइट. तो उसको अलग, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग रख के देखा नहीं जा सकता, और पार्लियामेंट का जितना हक
बाकी के हिस्सों को अमेंड करने में है, उतना ही हक फंडामेंटल राइट्स जो मूलभूत अधिकार है उनको अमेंड करने में भी है, बशर्ते कि बेसिक डॉक्ट्रिन जो मूलभूत ढांचा है, जो सोल है हमारा, आत्मा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए. राइट, सो द लैंडमार्क जजमेंट वॉज डिलीवर्ड ऑन 24 अप्रैल 1973 बाय अ थिन मेजोरिटी ऑफ 7:6 वेर इन द मेजोरिटी हेल्ड दैट एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस दैट वर गारंटेड टू द सिटीजन्स एज गिवन इन द प्रीएम्बल प्रोवाइडेड दैट सच अमेंडमेंट डिड नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर. अब जब ये वर्डिक्ट दिया गया तो उसके साथ ये सवाल उठा कि ये कौन डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है. ओके, तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो जो पावर है वो किसके पास रहेगी, जुडिशियल सिस्टम के पास रहेगी. ओके, मतलब कोर्ट्स के पास रहेगी. द माइनॉरिटी हावेवर इन देयर डिसेंटिंग ओपिनियन वर वेरी ऑफ गिविंग पार्लियामेंट अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर. और सोचिए कि पार्लियामेंट को अगर अनलिमिटेड पावर दे दिया जाता तो क्या हालत हो सकती थी हमारे देश के पिछले 30 या 35 सालों में. राइट, कोई भी पक्ष कुछ भी कर सकता था. राइट, द कोर्ट हेल्ड दैट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज एंटायरली वैलिड बट इट फाउंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी अल्ट्रा वायरस. The Supreme Court declared the Article 31C as unconstitutional and invalid on the ground that judicial review is basic structure and hence cannot be taken away. Despite the ruling that Parliament cannot breach fundamental rights, the court upheld the amendment that removed the fundamental right to property. The court ruled that in spirit the amendment would not violate the basic structure of the Constitution. राइट, एंड वॉट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सोल है, ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम जो बेसिक आइडिया रखा गया था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसको माना गया है बेसिक स्ट्रक्चर. सो लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस द न्यू जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड सब्सटेंसिव लिमिट्स ऑन पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कंसिडर्ड बेसिक लॉ. In India, the basic structure doctrine has formed the bedrock of judicial review of all laws passed by Parliament. तो अभी भी अगर आपको बताओगे जब economic reservation जो लाया गया, okay, February 2019 में, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो बिल लाया गया, वो सबको challenge किया गया है in the Supreme Court. क्यों challenge किया जा सका? Because of this Keshavananda Bharti case. अगर Keshavananda Bharti case में ये, अगर still we are following Golaknath case, right? या स्टिल वी आर फॉलोइंग द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें तो यही लिखा गया था कि अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास और उसको जुडिशियली आप चैलेंज नहीं कर सकते. ओके, तो आज जो कांग्रेस वाले जो अपोज कर रहे हैं वो जा ही नहीं सकते कोर्ट में अगर इफ वी आर स्टिल फॉलोइंग गोलकनाथ केस. ओके, सो बिकॉज वी आर फॉलोइंग केशवानंद भारती केस एंड आफ्टर दैट मिनर्वा मिल केस इन 1979-1980, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई आज हम इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. राइट, चलिए एक बात आपको बताना भूल गया, इट इज़ द जुडिशियरी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर. तो कोई चेंज डॉक्ट्रिन में ऑल्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है वो डिसाइड करने का काम किसका होगा? जुडिशियरी का होगा. पार्लियामेंट वो डिसाइड नहीं कर सकती, बट जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ओके, या कोई बिल लाती है, तो पार्लियामेंट सिस्टम से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बेसिक डॉक्ट्रिन में चेंजेस ना करें. ओके, चलिए नेक्स्ट इज इजी टॉपिक, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019. तो सर डेविड एटनबरो हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 एट अ वर्चुअल सेरेमनी. काफ़ी वेल नोन नाम है सर डेविन एटनबरो का. अगर आपने हिस्ट्री के जो चैनल्स है, ओके, तो वो अगर देखे हो तो ही इज़ अ वेल नोन हिस्टोरियन जो हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को टीवी पर आके बता दे और काफ़ी रिसर्च उन्होंने किया. राइट, सो ही इज़ अ प्रेजेंटर ऑल्सो. सो उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 दिया गया है ना वर्चुअल सेरेमनी. नाउ व्हाट इज़ इंदिरा गांधी पीस प्राइज? सो द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस
डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट इज एन्युअल प्रेस्टिजियस अवार्ड नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. इट इज़ कॉन्फर्ड एवरी ईयर बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट सिंस 1986. देखिए गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता है, इट इज़ गिवन बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. इट कंसिस्ट्स ऑफ साइटेशन एंड मॉनिटरी अवार्ड ऑफ 25 लाख रुपीज. The award recognizes creative efforts by individuals or organizations working towards creating a new international economic order, promoting international peace and development, ensuring that scientific discoveries are used for the larger good of humanity, and enlarging the scope of freedom. Okay, and these are some individual and some of the institutions or organizations जिनको पिछले सालों में ये अवार्ड दिया गया है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज. तो आपको याद रखना है. ओके, देखिए यूनिसेफ को दिया गया है, MS स्वामीनाथन को दिया गया है, कॉफी अन्नान को दिया गया है. कॉफी अन्नान वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी एक्चुअली. इसरो को दिया गया है. ओके, UNHRC को दिया गया है. UNHRC दिस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम करता है, दैट इज़ UNHRC. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ किरण, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन. सो द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन किरण to provide support to people facing anxiety, stress, depression, suicidal thoughts or other mental health concerns. Earlier ऐसी जो हमने बात की थी वो क्या था, मनोदर्पण के बारे में हमें पिछले लेक्चर्स में बात की थी. सो अर्लियर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैड लॉन्च्ड द मनोदर्पण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट एंड काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपने कोविड के लिए अलग नोट नहीं बनाई है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि कोविड के बाद वाला जो पीरियड है, ओके, मार्च या जनवरी से गिन लीजिए, जनवरी 2020 से लेकर अब तक का जो पीरियड है, उसके लिए एक अलग नोट बना लीजिए. और उस जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, अगर आप गुजरात की एग्ज़ाम दे रहे हो तो गुजरात गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव है, दैट वुड बी सफाइस. तो उसकी एक अलग नोट बना लीजिए ताकि आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा एट दी एंड, जब आप सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रहे होगे तो वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएगी. और अबाउट दी हेल्पलाइन में क्या किया जाएगा, तो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यू होगे उसको अनोनिमसली सॉल्व किया जाएगा. आपको आपका कोई भी डिटेल एग्जीक्यूटिव को बताने की ज़रूरत नहीं है. सो इट विल कैटर टू पीपल इन डिस्ट्रेस, पेंडेमिक इंड्यूस्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ इमरजेंसी. इट विल ऑफर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रमोटिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स एट्सेट्रा. इट विल बी अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस एंड हैज 660 क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड 668 साइकियाट्रिस्ट एज वॉलेंटियर्स. इट इज़ बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, चेन्नई एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, सीहोर in Madhya Pradesh. Okay, so these two agencies will come together and both are working in Ministry of Social Justice and Empowerment. Helpline operators has been sensitized not to ask the caller for name and any identification details. तो कोई भी anonymously इस पर call कर सकता है और इसकी जो मदद है वो ले सकता है. Okay, so this was your today's lecture. Let me know in case of any doubt. Or these are टू वेरी ईजी टॉपिक्स फॉर योर होमवर्क. एक जो है इंडो चाइना डिफेंस मिनिस्टर मीट, जो कि हमने पहला जो न्यूज़ पढ़ा, राइट, इंदिरा 2020, तब हमने इसका छोटा सा पार्ट डिस्कस किया. तो इंडो चाइना डिफेंस मिनिस्टर मीट क्यों ज़रूरी हमारे लिए, क्योंकि चाइना का जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन चाइना एंड इंडिया एट गालवान वैली, वो तो जारी ही था, अरुणाचल प्रदेश में भी धीरे धीरे चाइना आगे बढ़ रहा है, और उसको लेकर दोनों डिफेंस मिनिस्टर के बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है. एंड नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रैंकिंग आई है अलग अलग स्टेट्स के बारे में, दैट इज़ ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जिसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है एंड गुजरात 10वें स्थान पर है. ओके, तो जस्ट ओवरव्यू में बता दे रहा हूँ, तो वो आपको एक बार सारी रैंकिंग दिख जानी है कि कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है और स्टेट रैंकिंग क्या क्या है और कौन से अलग अलग सेक्शन में स्टेट्स को बाइफरगेट किया गया है. सो दिस टू आर द टॉपिक्स फॉर योर होमवर्क. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.